आँख निकालने वाली स्टूडेंट जेट के दोपहरिया में स्कूल से छुट्टी के बाद आरती, सोनम और कंचन तीनों अमिया तोड़ने जंगल में चली जाती है। कंचन और सोनम, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? अरे यार, ये तो पायल की आवाज है। शायद कोई और भी है जो पायल पहनकर अमिया तोड़ रहा है। उसके बाद तीनों दोस्त अमिया तोड़ने लगती है और वो तीनों थक जाती है। उन्हें जोरों की प्यास लगती है। वे तीनों पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। तभी उन तीनों को फिर से पायल के छनछन की आवाज आती है। वे तीनों पानी पीकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उन्हें वहाँ पर अजीब सी दिखने वाली एक लड़की दिखती है। अरे तू पागल वागल है क्या? ऐसे कोई डराता है? अभी हम तीनों को हार्ट अटैक आ जाता तो? एक तो इतनी गंदी हुलिया बना रखी है, ऊपर से पायल पहनकर छनछन कर रही है। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। और नहीं तो क्या। और हाँ, तुमने अपने चेहरे पर कौन सा मेकअप लगा रखा है? ये मेकअप नहीं है, ये तो बस पर तुम्हें जोकर बनना ही था तो मुझसे अपना मेकअप कराती। मैंने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रखा है। क्या तुम लोग मुझे देखकर डरी नहीं? तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगा? अरे पागल, हम तीनों तो डराने वाले लोग हैं। हम किसी से नहीं डरते और तुम जैसे बेवकूफों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम तीनों की आंखें बहुत प्यारी है, मुझे भी तुम्हारी जैसी ही सुंदर आंखें चाहिए। हमारी आंखें सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी भी है, क्योंकि हम सब रोज योगा करते हैं और मैम कहती है योगा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखें सुंदर रहती है। हमारे स्कूल में तो सभी बच्चों की आंखें बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी तरह गंदी नहीं। उसके बाद सभी बच्चे उस लड़की को धक्का देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जिस लड़की से इतनी देर से बातें कर रही है वो एक चुड़ैल है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर तीनों सहेली स्कूल जा रही थी, तभी वो लड़की भी पीछे से स्कूल ड्रेस में बैग लेकर आ जाती है। अरे तुम हमारे साथ कहाँ जा रही हो? तुमने ही तो कहा था तुम्हारे स्कूल में सभी बच्चों की आंखें सुंदर सुंदर है, तो मैं भी अब से तुम्हारे स्कूल में जाऊंगी ताकि मेरी भी आंखें तुम्हारी तरह ही सुंदर हो सके। उसके बाद सभी लड़कियां स्कूल पहुंच जाती है। अरे वो लड़की कहां गई जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी? हाँ यार, अभी अभी तो हमारे पीछे आ रही थी। खैर छोड़ो, चलो। जैसे ही वो तीनों क्लास में जाती है तो देखती है कि वो उससे पहले ही क्लास में आकर बैठी हुई है। अरे अभी तो तुम पीछे थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उड़कर। वो देखो मैम आ गई। उसके बाद मैम सभी बच्चों का टेस्ट लेती है, फिर कॉपी चेक करने के बाद गुस्से में कहती है, सोनम, आरती और कंचन, ये क्या है? सवाल के जवाब की जगह ये कार्टून बनाई हो। तुम्हें पता है ना मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो तीनों क्लास से निकलो और बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, समझी? उसके बाद तीनों दोस्त बाहर खड़ी हो जाती है। आरती, मैंने तो सारे सवाल का जवाब सही सही लिखा था, फिर मैम ने हमें पनिशमेंट क्यों दी? हमने तो अपने नोटबुक में कोई ड्राइंग भी नहीं बनाई थी, फिर मैम क्यों कह रही थी कि हमने ड्राइंग बनाई है? पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हमें पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना होगा, अगले महीने एग्जाम आने वाले हैं। ओफो, मेरा तो हाथ दुख गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो क्लास के अंदर थी ना? वहाँ तुम तीनों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कंचन, सोनम, तुम्हें ये लड़की कुछ अजीब नहीं लग रही? ये तो अभी अभी क्लास में थी। अरे ये तो फिर से गायब हो गई। तभी अचानक से किसी लड़की के बाथरूम में चीखने की आवाज आती है। सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ सुनीता मैम बेहोश पड़ी होती है और उनकी दोनों आंखें गायब होती है। उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सुनीता मैम के साथ क्या हुआ। सोनम, आखिर सुनीता मैम के साथ क्या हुआ होगा? उनके साथ ये किसने किया होगा? पता नहीं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगले दिन फिर से तीनों दोस्त स्कूल जा रही होती है, तभी वही लड़की उसे मिलती है। तुम इधर कहाँ रहती हो? मैं तो बस पहाड़ी के पास काली गुफा में रहती हूँ। गुफा में? नहीं यार, मैं काली गुफा के पास रहती हूँ। अब जल्दी चलो वरना आज फिर टीचर से डांट पड़ेगी। उसके बाद वे सभी स्कूल पहुँचती है। उस दिन क्लास में पूनम मैडम पढ़ा रही थी, तभी वह उस नई लड़की को देखकर कहती है,
स्टैंड अप। मैं पढ़ा रही हूँ और तुम हो के चपर चपर क्या खा रही हो? क्या है तुम्हारे बैग में? कुछ नहीं मैम, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। फिर बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी टीचर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, जब मैं क्लास में रहूँ ना तो सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, समझी? अब चलो बैठकर पढ़ाई करो। ये देखकर कंचन, सोना, मारती उसका बहुत मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों सहेलियां लाइब्रेरी में किताब लेने जाती है। तभी कंचन कहती है, यार तुम दोनों बुक लेकर आ जाओ, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। कंचन पानी पीने चली जाती है। इधर जब दोनों दोस्त लाइब्रेरी में जाती है तभी उसे वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कौन है, कौन है वहाँ? तभी वहाँ किताबें भी अपने आप हवा में उड़ने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? भूत सोनम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है यहाँ कोई भूत है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सोनम, वे दोनों निकल ही रही होती है तभी वो देखती है कि वो लड़की लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही है। अरे तुम दोनों इतना घबराई हुई कहाँ जा रही हो? तुम्हें लाइब्रेरी से बुक नहीं लेना है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर चली गई थी ना? घर से तो मैं आई हूँ। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और तुम दोनों की ये डरी डरी सहमी हुई आंखें उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। कौन हो तुम? तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें अब से क्या चाहिए? मुझे तो बस तुम दोनों की प्यारी प्यारी आंखें चाहिए, आंखें। नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखें नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कंचन, बचाओ प्रिंसिपल मैम, बचाओ, मुझे जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी वो लड़की आरती और सोनम को हवा में उछाल देती है। हमें नीचे उतारो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें नीचे उतारो। वे दोनों रो रही थी और वो लड़की वहीं बैठकर हंस रही थी। तभी वहाँ कंचन आ जाती है। कंचन के आते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी दोनों सहेली वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सोनम, आरती, तुम्हें क्या हुआ? तुम दोनों बेहोश कैसे हो गई? सोनम, आरती, आंखें खोलो, प्रिंसिपल मैम। उसके बाद उन दोनों को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है होश आने के बाद। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं। सोनम का भी वही हाल था। सोनम भी होश में आने के बाद यही सब बोल रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके क्लास की सभी लड़कियां अचानक से गायब हो गई है। तभी सोनम और आरती स्कूल आकर प्रिंसिपल मैडम को सारी बातें बताती है। ओ माय गॉड, हो ना हो, वो लड़की जरूर आंख निकालने वाली चुड़ैल है, और सुनीता मैडम के साथ जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदार भी वही है, लेकिन वो अब हमें कहाँ मिलेगी? मैडम, मैंने सुना था, वो बता रही थी वो काली पहाड़ी के काली गुफा में रहती है, वो शायद हमें वही मिलेगी। प्रिंसिपल मैडम एक तांत्रिक को जानती थी और उसके साथ वे सभी काली गुफा पर पहुंचते हैं। गुफा के आगे कई सारे सांप पहरा दे रहे थे। तांत्रिक अपने जादुई मंत्र से सभी सांपों को भगा देता है और वे लोग अंदर चले जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैं आज तुम सबकी आंखें निकाल कर तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी, जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सभी इंसानों की आंखें निकाल कर उसकी भुजिया बनाकर खाऊंगी, जिससे मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा हो जाएगी। दुष्ट चुड़ैल, हम तुम्हारे इस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तू फिर आ गई, तुझे तो इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल जैसे ही सोनम पर वार करने वाली होती है तभी वहाँ तांत्रिक आ जाता है और वो उसके ऊपर मंत्र पढ़कर वार कर देता है। ये तूने क्या किया? मैं जिसके डर से हजारों वर्षों से इस गुफा में छुपकर रह रही थी,
आज उसी के हाथों मेरा अंत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझ जैसे चुड़ैल के लिए दुनिया नहीं बनी है, ये दुनिया इंसान और इंसानियत के लिए बनी है, ये ले। उसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और फिर प्रिंसिपल मैडम सभी बच्चों को छुड़ाकर वापस ले आती है और उस दिन के बाद से फिर से सभी बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। जादुई गाउन वाली सास के घर झगड़ालू बहू। पारस और माहिरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अदर कास्ट होने के बावजूद भी पारस के घर वाले माहिरा को अपना लेते हैं। माहिरा बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो शादी करके पारस के घर आती ही पारस से कहती है, देखो पारस, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शहर में ही रहूंगी। मैं यहाँ तुम्हारे माँ बाबा के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना है। देखो माहिरा, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह माँ मुझसे प्यार करती है वो उतना ही प्यार तुमसे भी करेगी। हाँ, हर लड़के को यही लगता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन वही अच्छी फैमिली घर आए बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाती है। मुझे फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए ये ड्रामा हो इससे पहले हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम खाम का इतना टेंशन ले रही हो, तुम मेरी फैमिली को एक मौका तो दो। देखो पारस, मैंने अपनी मम्मी को अपनी दादी से हमेशा ताने और बुरा भला ही सुनते देखा है। मेरी माँ तो चुपचाप सब सहती आ रही है, लेकिन मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं झेल सकती, इसलिए प्लीज मुझे इन फैमिली ड्रामे से दूर रखो। देखो माहिरा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्लीज मेरे कहने से मेरी फैमिली को एक मौका देकर तो देखो, तुम्हारी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। ठीक है। उसके बाद पारस वहाँ से चला जाता है। पारस तो मेरी बात मानेगा नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। मैं यहाँ इतने ड्रामे करूँगी जिससे तंग आकर पारस की माँ मुझे खुद ही घर से जाने के लिए कहेगी। अगली सुबह माहिरा जानबूझकर देर से सोकर उठती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास ने घर का सारा काम कर दिया है और नाश्ता भी बना दिया है। अरे उठ गई बहू, आओ नाश्ता कर लो। माँ जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं और आपने ये नाश्ता क्यों बनाया और ये काम पर चले गए हैं क्या? अरे बहू, मुझे लगा शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तो नहीं उठ पाई। अब आ और बैठकर चाय पी ले। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप ये सब करके साबित क्या करना चाहती हैं? यही ना कि मैं एक नकारा बीवी हूँ जो अपने पति को सुबह नाश्ता तक बनाकर नहीं दे सकती? अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सब अच्छे से समझती हूँ। ये सब करके आप मुझे मेरे पति की नजरों में गिराना चाहती हो ना, ताकि उसके बाद आप मेरे साथ मनमानी कर सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माहिरा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन माहिरा सबके लिए नाश्ता परोसती है और वो जानबूझकर अपनी सास की थाली में मिर्च ज्यादा डाल देती है। अब बताती हूँ मैं इस बुढ़िया को, बहुत महान बनना चाहती है ना, आज इसकी महानता निकालती हूँ। उसके बाद माहिरा सबको खाना खाने के लिए बोलती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत तेज भूख लगी है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना भी अच्छा ही होगा। लाओ भाई, जल्दी खाना दो। अरे माहिरा बहू, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, खाना तो सबका निकल ही गया है। हाँ बहू, तुम भी खा लो, आखिर खाना बनाते बनाते थक गई होगी, खा लो। तभी जैसे ही माहिरा की सास खाने का पहला निवाला खाती है तो वो बोलती है, अरे माहिरा, तुमने तो सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा डाल दी है। नहीं माँ जी, मैंने तो मिर्ची एकदम हिसाब से डाला है। नहीं बेटा, शायद गलती से तुमसे ज्यादा मिर्च डल गई है। ए जी, आप खाकर बताइए ना, क्या सच में मिर्ची तेज है? पापा जी, आप भी खाकर बताइए। नहीं, मिर्च तो एकदम बराबर है। हाँ भाई, सब्जी में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अरे आप लोग को मैं झूठी लग रही हूँ? जब मिर्ची तेज है फिर आप लोग भोगे साइड क्यों ले रहे हैं? अरे माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? जब मैंने सब्जी हिसाब से बनाई है फिर आप जबरदस्ती मिर्च का बहाना करके मुझे क्यों नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं? माँ जी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए ना, कम से कम मुझ पर इस तरह से आरोप मत लगाइए। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो रहने दीजिए, आप हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। आपको बस मुझे नीचे दिखाने का मौका चाहिए होता है। बस करो माहिरा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। हाँ हाँ, सब मुझे ही गलत कहो, आखिर मैं इस घर की लगती ही क्या हूँ, मेरी ही गलती है। ऐसे रोते नहीं बेटा, शांत हो जाओ। माँ आप भी हद करती हो, माहिरा को रुलाकर आप खुश हो गई ना? माहिरा वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती है और हंसते हुए कहती है, और रखो मुझे यहाँ, मैं तब तक इनका जीना हराम करके रखूंगी जब तक मेरा पति मेरे साथ इस घर से अलग नहीं हो जाता।
माहिरा तुम थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हो यार, अगर मम्मी ने मैं ज्यादा है बोल ही दिया तो क्या हो गया, इस बात पर इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी। अच्छा मैं चुप रहूं और वो मेरे हर सही काम में भी मेरी गलतियां निकाले और मैं चुप रहूं? आपको मेरा साथ देने के बजाय अपनी माँ का साइड ले रहे हैं, लोगे क्यों नहीं, आखिर वो आपकी माँ है, मैं तो कुछ भी नहीं लगती आपकी। माहिरा अपने सास ससुर के नाक में दम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वो अपने पति के साथ इस घर से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी वो अलग होने में नाकाम ही रहती है। फिर एक दिन माहिरा सबके सामने आती है और कहती है, मुझे आप सबको कुछ बताना है, मैं गर्भवती हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहू, अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ, तुम आराम से बैठो। मैं पापा बनने वाला हूँ। माहिरा के इस खबर से घर में खुशी का माहौल छा जाता है। तभी पारस और उसकी माँ प्रेमलता बैठकर बातें कर रहे थे, तभी माहिरा उधर से आती है और जानबूझकर प्रेमलता के पैर से टकराकर गिर जाती है। माहिरा तुम ठीक तो हो? माँ जी आखिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैं गर्भवती हूँ, फिर भी आप मुझे धक्का मारकर धकेल रही हैं। नहीं नहीं बेटा, गलती से धक्का लग गया होगा। माँ जी अब तक मैं आपकी हर गलती को इग्नोर करती आई हूँ, लेकिन अब सवाल मेरे आने वाले बच्चों का है, मैं इसके साथ आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। अरे माहिरा तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहू अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं हूँ तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या मेरे आने वाले बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर एक पल नहीं रहेंगे। और उसके बाद माहिरा और पारस अपना सामान लेकर शहर आ जाते हैं और शहर में एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। अब मैं और मेरा पति दोनों यहाँ सुकून से खुशी से रहेंगे। माहिरा बस तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हारे अंदर मेरी एक नई जान आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं, पारस माहिरा के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो उसके आगे अपने माँ बाप को भूल जाता है, यहाँ तक कि वो उनको घर का खर्चा तक भेजना बंद कर देता है। एक बार पारस को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है और उसी दिन माहिरा जीने से गिर जाती है। वो किसी तरह से फोन लेकर पारस को फोन करती है, लेकिन पारस का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आता है। अंत में वो हार कर अपनी सास को फोन करती है। तू चिंता मत कर बहू, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, तू हिम्मत रख। माहिरा के सास ससुर फौरन माहिरा के घर पहुंचते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। माहिरा के सिर से काफी खून बह गया था जिस वजह से उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है और प्रेमलता का ही ब्लड ग्रुप माहिरा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। प्रेमलता माहिरा को अपना खून देती है। देखिए हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी से काउंटर पर 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पारस की माँ पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? आप चिंता मत कीजिए जी, वो हमारी जादुई दादी माँ का जादुई लहंगा कब काम आएगा, समय आ गया है उस जादुई लहंगे को बाहर निकालने का। उसके बाद प्रेमलता एक पुराने बक्से से उस जादुई लहंगे को निकालती है। जादुई लहंगा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मुझे आपसे मेरी बहू और आने वाले बच्चे की सलामती और 5 लाख रुपए चाहिए। प्रेमलता तुम्हें पता है ना, ये लहंगा तुम्हारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है और इसका उपयोग तुम सिर्फ एक ही बार कर सकती हो, उसके बाद ये लहंगा मामूली हो जाएगा। सब जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बहू के जान से कीमती कुछ भी नहीं है, आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए। प्रेमलता मैं कब से देख रही हूँ तुम इतने दिक्कत में गुजारा कर रही हो और तुम्हारे बेटे और बहू तो तुम्हारी जरा भी कदर नहीं करती, फिर भी तुम उनके लिए इस लहंगे की कुर्बानी देने जा रही हो। मुझे बस अपने बेटे और बहू की खुशियाँ चाहिए, बच्चे चाहे जैसे भी हो, माँ तो माँ होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती है। उसके बाद एक रोशनी होती है और वहाँ 5 लाख रुपए प्रकट हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में माहिरा एक बच्ची को जन्म देती है, बच्ची को देखकर प्रेमलता के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे परिवार की अहमियत का पता ही नहीं चला, आपने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, पर पता नहीं मेरे सर पर ही कौन सा भूत सवार था जो मुझे आपकी अच्छाई में भी बुराई ही दिखती थी, और मुझे बस यही लगता था कि मुझे अलग रहना चाहिए, लेकिन अब मैं परिवार की अहमियत समझ चुकी हूँ, अगर आज आप समय पर नहीं आते तो जाने क्या हो जाता। माँ जी मैंने देवी समान सास को सताया है, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। देर से ही सही, लेकिन बहू परिवार की अहमियत तो तुझे समझ में आ गई, हम हमेशा से ही तुम्हारी भलाई चाहते आए हैं बेटा, जिसमें बच्चों की खुशी है हम भी उसी में खुश है। माँ जी मुझे घर ले चलिए, मुझे अपने घर में जाना है, मुझे आपके चरणों में रहना है माँ जी। तभी पार
पारस भी भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और सब जानने के बाद वो भी हाथ जोड़कर माँ से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है। उसके बाद सभी लोग फिर से एक साथ घर आकर प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं।